तो जब भी आप अपने बेडरूम को डिजाइन करने का सोचते हो तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल खोलोगे, इंटरनेट पे जाओगे और क्या लिखोगे, चलो गैस करते हैं। आप लिख सकते हो टॉप 10 बेडरूम डिजाइन या फिर आप लिखोगे लग्जरी बेडरूम डिजाइन। लेकिन दो कदम पीछे आते हैं। बेडरूम डिजाइन करने से पहले आपने ये सोचा कि बेडरूम सुनते आपके दिमाग में क्या हिट करते हैं। चलो एक डेमो करते हैं। आप एक काम करो, इस वक्त आप जहां भी बैठे हो, ऑफिस, ट्रेन या घर जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, इमेजिन करो बेडरूम। अगर कोई ऐसा पर्सन वीडियो देख रहा है जो जॉब करता है तो उसके लिए होगा यार, जाएंगे आराम से, रिलैक्स करेंगे, पीस ऑफ माइंड लेगा और मस्त जाके सोएंगे। अगर कोई अपने बॉस से आर्गुमेंट करके आया तो एटलीस्ट बेडरूम ही आपको रिलैक्स फील कराने वाला है। किसी छोटे बच्चे के लिए बेडरूम क्या रहेगा, एक कैनवस रहेगा जिसपे वो पेंट कर सकता है। तो बेडरूम में कहीं मैंने अभी तक लग्जरी, मिनिमल या ऐसे कुछ डिजाइन के बारे में बात करी नहीं, क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे आप खुद होते हो, वहां पे आपको किसी तरह का शॉफ नहीं करना पड़ता, वहां किसी तरह की रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी पड़ती या किसी टाइप का बिजनेस प्लान नहीं बनाना पड़ता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप अपना बेडरूम लग्जरी, मिनिमल या रिजॉर्ट लुक तो दे ही दोगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज कि आपका बेडरूम आपका ख्याल कैसे रखेगा वो आपको आज पता लगने वाला है। क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं देखा तो बेडरूम ना मिलेगा दोबारा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेआउट की। अब आपके बेडरूम के साइज के हिसाब से आपका डिजाइनर तो आपका लेआउट बना ही देगा, लेकिन अगर आप खुद अपना बेडरूम डिजाइन कर रहे हो, खुद ही उसका लेआउट बना रहे हो, लेआउट का मतलब हो गया नक्शा, मतलब बेड कहाँ आएगा, टीवी यूनिट कहाँ आएगा, ये सब। तो अगर आप खुद से डिजाइन कर रहे हो तो आपको दो मेन ट्रिक्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है वॉकिंग पैसेज और दूसरा होता है फ्लोटिंग पार्ट्स। मतलब कि अब आपका बेडरूम मान लो 10x12 का है या 12x14 फिट का है, मतलब कोई भी साइज हो सकता है। आपको कोई भी फर्नीचर वहां प्लेस करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप बेडरूम में एंटर करो तो आपको वॉकिंग स्पेस मिनिमम 2'4" का मिलना ही चाहिए। स्टैंडर्ड्स कुछ और कहते हैं लेकिन 2'4" में काम चल जाएगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया था फ्लोटिंग आइटम, फ्लोटिंग आइटम मतलब हवा में तैरने वाला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो आपके बेडरूम का साइज छोटा है, मतलब 10x12 के आसपास है या 1-2 फीट ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे आपको ज्यादातर फर्नीचर के आइटम ऐसे रखने हैं जो हवा में तैरते हुए दिखाई दे। अब राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि बेडरूम के अंदर पानी भर देना है हमको, इसका मतलब ये है कि नीचे जो बेस होता है वो पूरा फ्लोर को टच ना करे, वो हवा में रहे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ फोटोज दिखाते रहूंगा जिससे कि आपको एक्सप्लेन है। सबसे पहले देखते हैं कुछ फ्लोटिंग साइड टेबल्स की फोटो। दूसरा हुआ बेड जो फ्लोटिंग हो। टीवी यूनिट जिसका जो कंसोल है वो हवा में हो, नीचे फ्लोर तक टच ना हो, उसकी फोटो देखो। बाकी छोटे रूम को बड़ा कैसे दिखाना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, बहुत अमेजिंग ट्रिक है। अब आप कहोगे यार मनीष आप तो कह रहे थे प्रोफेशन, इमोशन वो सब कहां गया, डोंट वरी आ रहे हैं उस पे भी। तो ये जो लेआउट का टेक्निकल पार्ट था वो हमने कर लिया रिजॉल्व। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं, अगर आपको ड्राइंग व्राइंग ये सब झंझट नहीं करना है ना तो सीधा कुछ नहीं करना, फ्लोर पे मास्किंग टेप लगाना और मास्किंग टेप लगा के आप डिस्टेंस अपने आप नाप के देख लेना, इजीली समझ आ जाएगा कि बेड और साइड टेबल या बेड और किसी भी चीज में वॉकिंग स्पेस कितना बच रहा है। अब हमारा लेआउट बन चुका है तो स्टेप टू आता है, वो होता है हमारा फॉल सीलिंग डिजाइन करना। अब यहां पे आपको देखना है कि आपका नेचर कैसा है भाई। अगर आप जॉली नेचर के हैं या टॉकेटिव नेचर के हो तो सीलिंग जो है वो हमेशा आपको कर्व रखनी है, जो अपने आप में सीलिंग बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, लेस टॉकेटिव हैं या ज्यादा बात नहीं करते हैं, तब आपको जो भी फॉल सीलिंग लेनी है वो लेनी है एकदम क्लीन लाइन की। आप डिजाइन आप कोई भी बनाओ बट एंगल्स 90° के बनने चाहिए। नेक्स्ट, जो मान लो अगर आपका नेचर है रिजर्व रहने का या ऑर्गेनाइज रहने का कि यार बिल्कुल ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा सोशल नहीं होते, तब आपको लेनी है प्लेन फ्लैट फॉल सीलिंग जिसमें कोव जो है वो वॉल की तरफ होगा। अब जो आता है स्टेप 3 वो होता है फ्लोरिंग। हाँ, फ्लोरिंग भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब कहो यार मैं फ्लोरिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फ्लोरिंग है मतलब कि जो आपकी टाइल्स है वो एक्चुअल में आपके इंटीरियर्स को एक बेस प्रोवाइड करती है। तो जो तीन बेसिक मेरे पर्सनल फ्लोरिंग है वो है अरमानी बेज, अरमानी ग्रे एंड ऑनिक्स फिनिश की टाइल। अब अगर आपने इन फोटोज में नोटिस किया होगा तो इसमें जो ग्रेन्स है वो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल लाइट ग्रेन्स है। इन ग्रेन्स को हमेशा लाइट रखना। अब आप सोच रहे हो यार मनीष यही कलर क्यों, और भी तो सारे कलर्स आते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप वॉल पे कोई भी कलर करोगे तो फ्लोरिंग का जो कलर है वो वॉल पे रिफ्लेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मान लो दीवार पे करा लिया कोई ग्रे कलर, नीचे आप टाइल ले आए कोई ब्राउन कलर की या कोई बिल्कुल ही डार्क ग्रे कलर की टाइल ले आए, तो उसका जो जब लाइट ऑन होगी, नेचुरल लाइट होंगे, उसका कलर का रिफ्लेक्शन दीवार पे अलग ही हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। आपने किया था पिंक दिखेगा येलो, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। स्टेप जो फोर्थ आता है वो होता है हमारा वॉल पैनलिंग। विदाउट
कलर, मतलब कि वॉल के ऊपर हमें क्या लगाना है, उसके बाद कलर की बारी बाद में आएगी। तो हमने अभी तक आपके हिसाब से नेचर के ऊपर बात कर लिया, अब आती है बात प्रोफेशन और इमोशन की। अब जो पैनल्स लगेंगे वो लगेंगे जो आपके प्रोफेशन के हिसाब से होंगे, और जो कलर्स होंगे वो आपके पार्टनर के हिसाब से होंगे जो उनके इमोशंस को प्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम बजट सेट कर लेते हैं कि बजट के हिसाब से हमारे अंदर कौन सा आ रहा है, जिसकी वजह से बाद में हम प्रोफेशन और इमोशन के हिसाब से जा सके। अब मान लो अगर सिर्फ पेंट के हिसाब से डिजाइन करना है तो इसमें जो कॉस्ट आएगी होगी जीरो। अगर हम वॉल पेपर या फोटो फ्रेम्स के साथ प्ले करने वाले हैं तो हमारी एक वॉल का जो खर्चा आएगा वो 5000, अगर वॉल ट्रिम्स के साथ जाएंगे तो 10000, लेमिनेट या वीनियर के साथ जाने वाले हैं तो 15 से 20 हजार, अगर लूअर्स या फ्लूटेड पैनल डालने वाले हैं तो 20000, मिरर या कुशनिंग के साथ करेंगे तो 20 to 25000, अगर बैम्बू चारकोल, ये थोड़ा अपर लेवल का आ गया, बैम्बू चारकोल, वाटर रिपल या अप डाउन प्रोजेक्शन में जाएंगे तो होगा 40000, और इसमें पीयू पैनल भी इंक्लूड होता है। अब जो इससे नेक्स्ट आता होता है स्टोन या टाइल में, जिसमें खर्चा आएगा 50000 का, और अगर इससे और ऊपर जाना है तो फिर आता है कार्व्ड स्टोन में, जिसमें खर्चा आ जाएगा अप्रॉक्स 60000 रुपीस का। अब मैं यहां पे आपको लाइंस की साइकोलॉजी बताता हूं, फिर आपको इजीली कनेक्ट हो जाएगा। जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी आपके घर में उसका मतलब होता है ग्रोथ, मतलब कि विकास। अगर आप जितनी भी आपके घर के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उसका मतलब होता है स्टेबिलिटी, और तीसरा जितनी भी कर्व्ड लाइन होती है उसका मतलब होता है सेफ एंड सिक्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो जितनी भी वर्टिकल लाइंस है दैट शोज ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप देख रहे हो वो है स्टेबिलिटी, थर्ड जो आया कर्व, मतलब कि मेरी इस वाली वॉल पे कम से कम 10 से 12 कर्व है, मतलब कि सेफ एंड सिक्योरिटी। तो मतलब कि जो डेली जॉब पे एक रिस्क वाला काम करते हैं, मतलब कि एंटरप्रेन्योर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, स्टॉक ट्रेडर्स हो गए, डिजिटल मार्केटर्स हो गए, मतलब कि जिसमें ग्रोथ का डेली ऊपर नीचे लगा रहता है, उनको प्लेस करने हैं फ्लूटेड पैनल्स, लूअर्स जिसमें स्ट्रेट लाइंस आते हैं, जैसे वॉल ट्रिम्स मैंने आपको दिखाया, पेंटिंग्स भी सारे आ सकते हैं, बस कोशिश ही करनी है उसमें वर्टिकल लाइंस दिखाई दे। अब जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं जिनका काम है काम को स्मूथली चलाना, मतलब कि मैनेज करते हुए चलाना, उनके लिए आती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब कि आपको डिजाइन सारे यही करने हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइंस के मैनर में, स्केलिंग में करने हैं। और जो कर्व लाइन होती है वो होती है कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, मतलब कि एम्प्लॉइज जो जूनियर लेवल पे काम करते हैं, जो कंपनी के सबसे बड़े एसेट होते हैं, इनके लिए होती है कर्व लाइंस, मतलब कि सेफ एंड सिक्योरिटी। तो ये एग्जांपल था हमारे इंटीरियर्स, रूटीन एंड यू का एक छोटा सा एग्जांपल। तो भाई प्रोफेशनलिज्म तो आ गया भाई मनीष, पर बेड तो यार काम और रिलैक्स होने के लिए, वहां पे हम या तो पजामा गर्ल्स होती हैं या शॉर्ट्स बॉयज होते हैं, तो इमोशंस कहाँ गए? अब आ रहे इमोशंस ड्राइव होते हैं डेफिनेटली सिर्फ एक चीज से, और वो है कलर्स। तो कलर्स के ऊपर तो वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ। अगर आप हमने बेडरूम्स के अंदर जा रहे हैं कुछ लग्जरी या रिजॉर्ट जैसी फील, तो अब आपको वहाँ पे डालना है ग्रे, व्हाइट और बेज, इन तीन फैमिली के कलर्स का कॉम्बिनेशन डाल देना है। अगर आपको थोड़ा नेचर से रिलेटेड काम या अर्दी फील चाहिए तो बेज कलर के साथ या ग्रे कलर के साथ आपको ऐड करना है ग्रीन का एलिमेंट। अब वो आपका रग हो सकता है, आपका बेड हो सकता है, आपका साइड टेबल्स हो सकती है, या कोने में लगे हुए फ्लूटेड पैनल हो सकते हैं। थर्ड होता है चेयरफुल थीम, मतलब कि जिसे थोड़ा हैप्पी रहना पसंद है, थोड़ा हमेशा हसमुख लाल जो होते हैं वैसा रहना पसंद है, उसको बोलते हैं मिनिमल थीम, जिसमें आप लाइट टोन ऑफ एनी कलर पे जा सकते हो। थर्ड जो थीम आती है वो होती है हमारी कंटेम्पररी थीम, मतलब कि जिसको थोड़ा हिप हॉप पसंद है, मतलब यूथ को बहुत पसंद आता है, जैसे कि ब्राइट कलर्स होते हैं, ब्राइट येलोज हो गए या ग्रीन्स हो गए या फिर डार्क नेवी ब्लू हो गया। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है, मतलब कि अभी तक आपने पूरी वीडियो जो देखी ये यूजलेस हो जाएगी अगर आपने ये वाला पॉइंट नहीं सुना था, और वो होती है लाइटिंग। आप अपने घर के अंदर 1 लाख रुपए लगाओ, 10 लाख रुपए लगाओ या 1 करोड़ लगाओ, अगर लाइटिंग का कलर, लाइटिंग की प्लेसमेंट और टाइप ऑफ लाइट सही नहीं डाला तो आपके पैसे हो गए भैया खराब, मतलब कि जीरो। तो यहाँ पे भी अगेन मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कलर्स के ऊपर और लाइटिंग के ऊपर, डेफिनेटली उसको जाके देख लेना। लाइटिंग की पूरी सीरीज है, मतलब फॉल सीलिंग नहीं करनी तो क्या। तो जो ट्रिक है लाइटिंग की वो ये है कि अगर आपको बेडरूम में सिर्फ रिलैक्स के लिए यूज करना है कि ऑफिस आए सीधा सोना होता है या सिर्फ 10-15 मिनट ही बातचीत करते फिर सो जाते हैं, तो वहां पे आपको यूज करनी है वार्म लाइट, वो भी COB, मतलब कि लाइट का कलर COB, टाइप ऑफ लाइट COB। अगर आप रूम के अंदर पढ़ते हैं या कहीं पूरे घर में स्टडी एरिया है तो वहां पे आपको यूज करनी है व्हाइट लाइट SMD। और जो थर्ड आती है कि ड्रॉइंग रूम, किचन, पैसेज, लॉबी, इन वाले एरिया में आपको यूज करनी है नेचुरल लाइट। भाई लगती बड़ी गजब। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और 31 जनवरी को ट्रिप शुरू होने जा रहा है। बस कोविड के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं जो वैसे तो नॉर्मल ही है, बट आई होप इसके चक्कर में हमें कहीं अपना ट्रिप पोस्टपोन ना करना पड़ जाए, बाकी हम तो तैयार हैं। तो कीप ऑन लाइकिंग द वीडियोस और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका नेचर क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।